अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आया था मदरसे, एक है भाई अपना सऊदी रिटर्न, अपना यूपी का ही है, आया है आके उसकी ज़रा प्रेम कहानी सुन लो, कतर की क्या है और सऊदी की क्या है। तो चलिए मुलाकात कराते हैं आपसे। तो भाई ये हैं भाई, अस्सलाम वालेकुम। और भाई क्या हाल चाल है फुरकान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कट रही है जिंदगी। तो कहाँ से हैं आप? इंडिया से? तो मैं इंडिया यूपी आजमगढ़ से हूँ भाई। तो इससे पहले कहाँ काम कर रहे थे? इससे पहले भाई मैं रियाद में था, सऊदी में 4 साल वहाँ काम किया। 4 साल वहाँ काम कर रहे? 4 साल से भाई सऊदी में काम कर रहे हैं। अभी कतर, कतर कितना दिन हो गया है? कतर मुझे लगभग 10 महीना, ये 11वां महीना चल रहा है। तो भाई 11 महीना हो गया कतर में आए, तो वहाँ सऊदी अच्छा था कि कतर अच्छा था? भाई एक बात बोलूं, हकीकत मानो, जितने सऊदी रिटर्न ड्राइवर हैं, मुझे, मैं खुद अपनी बता रहा हूँ, सबसे बेहतर, कितने भी वैसे थे लेकिन भाई वो ठीक थे, इनसे लाख गुना ठीक थे। तो वहाँ जो होती है ना थोड़ा इज्जत, यहाँ तो मतलब ड्राइवर की समझ लो ऐसे बाल बराबर इज्जत नहीं है। और वहाँ थोड़ा समझते थे कि हाँ ड्राइवर भी इंसान है, यहाँ वो नहीं समझ रहे हैं कि ड्राइवर इंसान है कि नहीं है, वो खाए पिए मर जाए साला बाढ़ में जाए, हमको बस ड्यूटी चाहिए। तो वहाँ कितनी सैलरी मिलती थी कतर में? सऊदी में मुझे मतलब पहला सफर गया था तो मतलब 1500 पे गया था तो 1400 दे रहा था। और खाना लेकिन पीना? खाना अपना ही था वहाँ सऊदी में, यही ज्यादा नहीं जा, मैं खाना अपना खाओ। अच्छा। तो वहाँ क्या हुआ था, वहाँ मतलब ऊपर से 250-300 मिल जाता था, उसकी दिक्कत नहीं रहती थी। ऊपर से अगर कहीं जा रहे, कफील की गाड़ी धुल दी, आ गया समीर गाड़ी धुल दे, 20-30 हजार दे देता था भाई। वहाँ जिंदगी मतलब ठीक ठाक कट रही थी, अच्छा था। यहाँ भाई यहाँ कट जाए ये 2 साल, समीर भाग जाए तो ये खोजने पे नहीं पाएंगे हमको। तो अच्छा यहाँ कतर आया तो यहाँ कितनी सैलरी है? और वीजा किससे लिया था यहाँ? वीजा यार मेरे फूफी का लड़का है, भाई है, उसका दोस्त दिया था वीजा मुझे। तो कुछ पैसा वैसा खर्चता क्या वो? पैसा 50,000 रुपया लगा था। सोनो इन्हीं का दोस्त है भाई, 50,000 रुपया लगा था? नहीं भाई का दोस्त था, भाई का, भाई का दोस्त, तो भाई उससे बहुत बोला वाला तो 50,000 रुपया आया भाई। उसी में टिकट था क्या? आइए सब तो भाई फ्री में देते हैं, ड्राइवर का वीजा क्या है यार, कुछ नहीं है, ड्राइवर फ्री में मिलता है। लेकिन नहीं ये भाई देखो पैसा यार, चलो मैं अच्छी पोजीशन पे हूँ, है मेरे पास पैसा, आप अच्छी, बहुत लोग रहते हैं वीजे का पैसा भरने पर उनको नहीं रहता, मान जो ना। हाँ वो तो है। अरे कोई पैसा ना उसको यार बुलवा दो यार, 10-5 हजार ले लो खत्म। हाँ सही, कि 50,000 लोगे तभी काम चलेगा, यही है ना। अच्छा यहाँ आए हो तो कैसा है, कितना सैलरी पर हुआ था बात बात? यहाँ मेरी 1500 पे हुई थी लेकिन 1400 यहाँ भी मिल रही है, प्लस 200 खाने का 1600। अभी देखो पगार बोला था 6-7 महीने बाद, समीर मैं तेरी पगार बढ़ा दूंगा, बोला ठीक है बाबा कोई बात नहीं। 8 महीने बाद मैं बोला, मतलब बाबा पगड़िया तो बढ़ा दे भैया, बाबा बोल रहा है 1 साल हुआ नहीं है, 1 साल हो जाए तब बोलना। मैं ठीक है भाई 1 साल बाद बोलेंगे, अभी 2 महीना बचा, 2 महीने बाद चढ़ जाएंगे टकला छिलवा के। और क्या किया जाएगा, ऊपर से कुछ कमाई उमाई होती कि नहीं होती है? ऊपर से भाई पाए तो मेरा रख ले, हकीकत बता रहा हूँ दिल की बात, पाए तो मेरा रख ले, अब क्या बताओ इससे ज्यादा दुखड़ा। अच्छा, और क्या बताऊँ। अच्छा गाड़ी वाड़ी यहाँ धुलवाते कि नहीं धुलवाते है? गाड़ी भाई, गाड़ी का देखो कैसा है, गाड़ी शुरू में आया था ऐसे धूल आ जाती थी गाड़ी पे, मैडम बोलती थी समीर लेस मागस से, गाड़ी क्यों नहीं धुला, गाड़ी धूल दे वसाखा है कचड़ा है। भाई पैसा लगा के तो 50-55 हजार निकालना भी तो जरूरी था, वैसे चले जाए तो घर वाले भगा दे घर से। तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, धुलता था शुरू में 2-3 दिन पे धुलता था। और घर तो नहीं धुलवाते हैं? घर जिस दिन धुलवा दे उस दिन टिकट करवा लूंगा फुरकान भाई, हकीकत बता रहा हूँ, जिस दिन घर धुलवा दी उस दिन टिकट करवा लूंगा। और सऊदी में धोते होते थे कि नहीं धोते? सऊदी में तो भाई धुलवाते थे सब साले यार, बंदू थे साले यार, लेकिन धुलवाते थे। सऊदी में सब धुलवाते थे, घर धुलवाते थे,
लेकिन वहाँ झगड़ा बहुत करता था मैं, उसका एक भाई था, चार भाई थे सब। हाँ ये तो है यार, क्योंकि सऊदी में जबानबाजी करो तो लोग बुरा नहीं मानते हैं यार। झगड़ा बहुत होती थी मतलब, नहीं मेरे से भी लफड़ा होता था, सुबह लफड़ा होता था फिर दोपहर को फिर एक हो जाता था, ऐसा होता ही नहीं था कि हाँ कपिल से लफड़ा हो। अरे वो गांव में नहीं होता है, देवरानी जेठानी में झगड़ा होती है। हाँ बस वैसा ही है, वही हिसाब रहता था मतलब, महीने में तीन चार बार होती थी, लेकिन आदि हो गए थे हम भी, वो भी आदि हो गए थे दोनों जन। वो यहाँ जहाँ ऐसे कर लो ना तो साले उसी दिन टिकट ला के दे देंगे, भेज देंगे। मैं तो चाह रहा हूँ मुझे भेज दें, लेकिन अभी थोड़ा काटूंगा क्योंकि सऊदी बहन है ना, अभी खुल जाए, छुट्टी आया था गया नहीं था, उसके वही भाई से झगड़ा होती थी इसीलिए नहीं गया था। बाकी बुड्ढा मेरा इतना अच्छा था भाई पहले सऊदी वाला, कभी भी फुरकान भाई अगर उसको मैं बोल दूं कि बाबा मुझे इतना पैसा चाहिए 30 रियाल 40 रियाल ये दे दे तो मर जाए, नहीं देंगे। बोला बाबा मुझे 50 रियाल चाहिए, बाबा ये नहीं बोलता था क्या कर, बोला बस पैसा नहीं है मुझे पैसा चाहिए। एक बंदा था जो पगार देता था, उससे अगर पैसा लो ना 20-30 रियाल लो ना तो सीधा 50 रियाल नहीं तो 100 रियाल देता था, बोलता था कि ये मैं तेरी पगार में काटूंगा। उससे मैं पैसा ही नहीं मांगता था, मेरे पास है नहीं है, मैं उससे मांगता ही नहीं था, बुड्ढे से मांगता था। एक और मेरा कपिल था, नासिर नाम था, बुड्ढे का लड़का था उससे। बंदे मस्त थे लेकिन तारीफ करो सऊदी अच्छा है, यहाँ कतर से अच्छा है, कतर से समझ लो लाख गुना अच्छा है सऊदी, लाख गुना। वहाँ इज्जत है थोड़ी बहुत यार, यहाँ इज्जत नहीं है। हाँ ये तो है, यहाँ ड्राइवरों की तो कोई इज्जत नहीं है। यहाँ मदरसे में वहाँ लड़की छोटी रहे बड़ी रहे, बच्चे मदरसे से निकलते हैं चुपचाप बैग वैग लेके गाड़ी में, यहाँ ड्राइवर उतर के जाए उनका बैग उठाए, सबसे बड़ी चीज ये है। नहीं ऐसे छोटे बच्चे तो वहाँ यार, हम भी जब थे तो हम भी यार बैग उठाते भाई। एक ड्राइवर को मैं देखा था फुरकान भाई सऊदी में, मैडम उतरी है, मैडम अभी गाड़ी रुकी कहाँ है, वो हैंड ब्रेक लगाया फटाक करके इसे उतर के घूम के आया, पहले दरवाजा खोला। अच्छा मैडम उतरो। अरे मैं बोला साले वहीं थूक के चाट के मर जा, घर चले जा, नहीं पैसा तो मैं दे देता हूँ सऊदी में। अरे यार मतलब मैं दो बार दरवाजा खोला तो अभी क्यों, मेरी मैडम पूरा सामान लेके आई थी हाथ में, मतलब ऐसे शांत थी, मुझे नहीं बोली कि तू पकड़, बोलती है समय दरवाजा खोल दे, मैं बोला ठीक है। एक बार अपने मतलब बुड्ढे के लड़के की औरत का खोला था, उसका दरवाजा क्या उसकी गाड़ी में छोटे बच्चे रहते हैं तो उसी की गाड़ी लेके गया था, तो अंदर से नहीं खुलता है, पता नहीं क्या किया अंदर से नहीं खुलता उसका, तो बोली समीर ये अंदर से नहीं खुलता है बाहर से थोड़ा खोल दे, मालिश भी बोली थी उसके लिए खुलवाने के लिए। तो जानी ले दे करके तुम्हारे लिए जो है सऊदी अच्छा है यार। मेरे लिए भाई सऊदी सऊदी भाई सऊदी के पैसे में बरकत है यार, सबसे बड़ी चीज ये है। वो पता तो है। चलता है वहाँ पैसा। चलो दोस्तों यही है भाई, अपने चलो भाई जिंदगी है, जिंदगी काट रहे हैं जैसी है, आओ आप भी काटो भाई, किसी को मना ही नहीं है, जो जिसका दिल करे वो आ जाए यहाँ, जिंदगी है भाई काटा जाएगा, मिल बांट के दुख बांटा जाएगा। ये क्या फुरकान भाई है यही मदरसे पे, हम लोग बातचीत कर लेते हैं, जिंदगी काट रहे हैं और क्या किया जाए। तो दोस्तों यही है भाई अपने समीर भाई, इन्हीं से टाइम पास होता रहता है मदरसे में, मुलाकात होती है तो पार्किंग में लगा के भाई मौज ले रहे हैं दोनों भाई। तो दोस्तों जैसे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ही और ड्राइवरों से बात होती रहेगी। चलते फिर अब यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, रखते फिर, अल्लाह हाफिज़।